में साला। कौन है बहन का भोसला? मैं मादर तो सामने आया। यहाँ नहीं मार सकता कोई मुझे, मार के तो दिखा दे। पता ना बहन के लोड़े कौन कौन है ये? साले मेरे पे बैलन मार रहे हैं, अपने बाप पे। आप सभी के तो आज हम बात करने वाले हैं होली के बारे में। तो होली एक ऐसा त्योहार है जिसे हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, होली पर ऐसा ही होता है। कॉन्डम और कॉर्नफ्लेक्स में फर्क नहीं पहचान सकते आप। अभी एक अंकल मिले थे तो उनको तो क्रिश 3 का विलन बना दिया। भाभी के संग होली। भाभी के संग होली स्पेशल क्यों है? होली तो किसी के साथ भी खेली जा सकती है। अब ऐसे इन्होंने सबका तो गाना बनाया नहीं। जैसे छोटे भाई के संग होली, चाचा के संग होली, मामा के संग होली, सिर्फ भाभी के साथ ही क्यों गाना बना? मैं इस बात को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस करना नहीं चाह रहा। वैसे ना होली में और नॉर्मल दिनों में ज्यादा फर्क नहीं है। होली वाले दिनों में और नॉर्मल दिनों में इंसान हमेशा चाहता है कि उसकी पिचकारी सबसे बड़ी हो। अब लड़कियां होली कैसे खेलती हैं? कुछ ऐसे होली रिचुअल्स। और लड़के दिल्ली से है बैंड चोर। दिल्ली से है बैंड चोर। अब लड़का और लड़के एक साथ होली खेलें तो कभी कभी निब्बा निब्बी भी होली खेल लेते हैं। देखो ये वीडियो मुझे बहुत बेकार लगी है, इसीलिए नहीं कि इसने इसकी मांग में गुलाल लगाया, इसीलिए क्योंकि इसके बाल गोल्डन है। क्योंकि मुझे नफरत है गोल्डन बालों से। देखो तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, पहले जब हम छोटे थे तो हमें होली पर गुब्बारे चाहिए होते थे। देखो गुब्बारे तो हमें अभी भी चाहिए, पर होली वाले तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे जरूरी बात कि मेरी बातों का कभी भी गलत मतलब मन निकाले करो, मैं मतलब बहुत सीधा इंसान हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आप सभी को हैप्पी होली और बाय। मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।